नमस्कार दोस्तों, फ्यूचर ट्रेंड्स की सीरीज़ को आगे बढ़ाने के लिए मैं गीता कोचर एक बार फिर से आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ अपने चैनल और अभिषेक भटनागर चैनल के माध्यम से। आप सभी हमारे चैनल्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन को अवश्य दबाइए और आपका धन्यवाद करूँगी। आपने हमारी पिछली वीडियोज़ को देखा, उन्हें सुना और लाइक किया। आगे आने वाली वीडियोज़ में हमें सुनते रहिए और लाइक करते रहिए। और आप सभी से प्रार्थना है कि अगर आपको कोई कंसल्टेंसी चाहिए तो हमारे नंबर स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, आप हमें व्हाट्सएप कीजिए अपनी डिटेल और अपना प्रश्न, आपको आपके प्रश्नों का उत्तर दे दिया जाएगा। तो जानते हैं पर्सनल ईयर 4 क्या कहता है आप सभी के लिए। पर्सनल ईयर 4 की जो बेसिक प्रेडिक्शन है, जो कीवर्ड है, दैट इज़ हार्डवर्क चेंजेस एंड प्रोग्रेस। यानी कि इस वर्ष आपको मेहनत के साथ सफलता और रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं। राहु का वर्ष है, राहु मेहनत करवाएगा लेकिन आपको उसके परिणाम अवश्य मिलेंगे। पर्सनल ईयर की सीरीज़ या 9 ईयर्स की एपिसाइकिल को अगर हम मोटे शब्दों में कहें तो पर्सनल ईयर 4 वो टर्निंग पॉइंट है जहाँ से आप जो भी काम शुरू करते हैं उसके परिणाम आपके लिए पूरी ज़िंदगी होते हैं। यानी कि वो परिणाम परमानेंट होते हैं, आपको उसका फल मिलता रहता है समय समय पर। बस इस वर्ष आपको मेहनत करनी है और अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करना है। तो अब मंथ वाइज जान लेते हैं हाउ विल बी दिस ईयर फॉर पर्सनल ईयर 4। आते हैं जनवरी पर। जनवरी का महीना एक नए आगाज़, नए अंदाज से शुरू होने वाला है। आपकी जो भी प्लानिंग्स होंगी उन्हें आप एग्जीक्यूट करेंगे और उसका परिणाम आपको अवश्य देखने को मिलेगा। इसके लिए कुछ समय के लिए आपको घर से दूरी भी बनानी पड़ सकती है या छोटी मोटी यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। आते हैं फरवरी के महीने पर। फरवरी के महीने में आपको अपने परिवार को थोड़ा समय देना पड़ सकता है। परिवार में कोई ऐसा काम आ सकता है जिसकी वजह से आपको पारिवारिक और व्यापारिक क्षेत्र में सामंजस्य बनाने में मुश्किल आ सकती है, तो आपको वो सामंजस्य बना कर रखना है ताकि आपकी परेशानी आपके कार्य क्षेत्र को या पारिवारिक क्षेत्र को प्रभावित ना कर पाए। आते हैं मार्च के महीने पर। मार्च का महीना बहुत अच्छा रहने वाला है। आपको सामाजिक, पारिवारिक और व्यावसायिक तीनों क्षेत्रों में फ़ायदा मिलेगा। इस महीने का भरपूर फायदा उठाइए। जो भी आपने बीज बोया या जो भी प्लान एग्जीक्यूट किया है उसके पौधा या उसका रिवॉर्ड थोड़ा सा आपको दिखना शुरू हो जाएगा। आते हैं अप्रैल के महीने पर। अप्रैल का महीना फिर थोड़ी सी मानसिक और शारीरिक परेशानी लेकर आएगा। आप थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं। चोट चपेट से सावधानी रखें, कोई भी झगड़ा व्यापारिक क्षेत्र पर ना करें, अच्छा होगा। आते हैं मई के महीने पर। मानसिक कष्ट जो आपका चल रहा है उसके साथ साथ आपको कोई ब्लड रिलेटेड समस्या या बीपी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। समय समय पर अपना चेकअप करवाते रहें और कार्य क्षेत्र में कोई पंगा या कोई बदलाव ऐसा ना करें जो आपके लिए आने वाले समय में कोई नेगेटिव परिणाम दे। आते हैं जून के महीने पर। जून का महीना फिर से आपके लिए नए अंदाज और नए अनुभव से भरा हो सकता है। जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपको बहुत सुखद अनुभव मिलेंगे। आपका सामाजिक दायरा भी बढ़ेगा। उसे पॉजिटिवली आगे बढ़ाएं। कोई भी फैसला करने से पहले अपने पिता की मदद लें तो बेहतर होगा। जुलाई के महीने में आपको फिर से मानसिक थोड़ी सी उथल पुथल रह सकती है। इमोशनल होकर कोई भी फैसला ना लें और अपने जीवन में जो भी फैसला राहु हमें कभी कभी मानसिक रूप से इधर जाएं या उधर जाएं इस तरह की स्थिति अवश्य उत्पन्न करता है, उस समय पर आपको अपने किसी बड़े का, माता या पिता का सहारा लेना या कोई भी आपके सीनियर्स हैं उनकी सलाह लेनी है। अपने आप उस समय कोई फैसला ना करें वरना नुकसान हो सकता है। आते हैं अगस्त के महीने पर। अगस्त का महीना आपके लिए नई प्रेरणाएं लेकर आएगा। आपको नए नए अनुभव मिलेंगे या नई नई सलाहें आपके जीवन में, पारिवारिक हो या सामाजिक हो या व्यावसायिक हो, उसमें आपको एक नए एडिशन के साथ आपके जीवन को जागृत करेगा। आप उस एडिशन के लिए तैयार रहिए। ज़्यादा सोच विचार मत कीजिए, नहीं तो आपको जो लेवल तक, आपको जिस एक्सटेंट तक
रिजल्ट्स मिलने चाहिए, उसमें थोड़ी सी कमी आ सकती है। आते हैं सितंबर के महीने पर, फिर से मानसिक परेशानी बनी रही। हालांकि मानसिक परेशानी तो पर्सनल ईयर 4 में पूरे समय रहती है, परंतु व्यावसायिक क्षेत्र में भरपूर सफलता से आपका मानसिक कष्ट खुद ब खुद कम होने लगेगा। आते हैं अक्टूबर के महीने पर, आपके कार्य का भरपूर विस्तार होगा। आपके घर में भी पॉजिटिव चीज़ों पर आप खर्चा कर सकते हैं, या आने जाने घूमने फिरने पर भी खर्चा करेंगे, और अपने कार्य क्षेत्र में नए नए बदलाव के साथ एक नई खुशी का अनुभव करेंगे। उस एन्जॉयमेंट को आप ख़त्म ना कीजिए किसी भी दबाव के कारण, उस एन्जॉयमेंट को एन्जॉय कीजिए। आते हैं नवंबर के महीने पर, नवंबर का महीना आपके लिए नई खुशियां लेकर आएगा। आपका घर परिवार या कोई भी गाड़ी से रिलेटेड जो भी आपकी मन की इच्छा है वो ज़रूर पूर्ण होगी। तो इस महीने में आप प्लानिंग कर सकते हैं, अगर आपने कुछ सोचा हुआ है, कुछ लेना है या घर में कुछ करना है, या नई कोई भी लग्जरी पर आपको अपना खर्चा करना है, तो इस महीने आपको करना चाहिए और आप करेंगे। आते हैं साल के आखिरी महीने पर, यानी कि दिसंबर पर, जो कि बहुत ही सुखद और अच्छा रहने वाला है। जो भी पूरे साल की फ्रस्ट्रेशन है, इस समय आप थोड़ा रिलैक्स्ड अनुभव करेंगे, लेकिन थोड़ा ठहराव आ जाएगा। जो कार्य चलता आ रहा था, बढ़ोतरी की तरफ बढ़ रहा था, वहाँ थोड़ा सा ठहराव आने लगेगा, और वो ठहराव आगे आने वाले महीने में यानी कि नए वर्ष में आपको अपने आप वो ठहराव ख़त्म होगा। आप नए सिरे से और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि पर्सनल ईयर 4 के बाद पर्सनल ईयर 5 आने वाला है, जो कि बहुत ही बढ़िया चेंजेस और एन्जॉयमेंट आपकी लाइफ के लिए लेकर आएगा। तो आप सभी पर्सनल ईयर 4 वाले तैयार हो जाइए, आने वाले 3 वर्ष आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाले हैं। बस अपने प्लान्स को बना कर रखिए 2019 के लिए। आपको पहले से बता दिया गया, आप अपनी प्लानिंग्स को एग्जीक्यूट करने के लिए तैयार हो जाइए, और उसके रिजल्ट्स आपको पूरे वर्ष मिलते रहेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ आने वाली सभी वीडियोज़ में। टिल देन, थैंक यू सो मच।